नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिल्ली में बन रहे नए संसद भवन के ऊपर अशोक स्तंभ की स्थापना कराई गई, उसको लेकर पीएम मोदी को काफ़ी ज़्यादा किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन पर अशोक स्तंभ की स्थापना कराने के लिए ब्राह्मण समाज के पंडितों को बुलाकर उस पर पूजा अर्चना कराई, और आपको बता दें कि तमाम वो ढोंग रचाए गए जो कि पाखंडवाद के होते हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तमाम बहुजन चिंतक और दलित एक्टिविस्ट तंज कस रहे हैं, और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से अशोक स्तंभ में बदलाव कराकर आए, आपको बता दें कि स्तंभ रखा गया है उस पर भी दिल्ली मंडल ने तंज कसा। उन्होंने लिखा कि अशोक स्तंभ का मूल स्वरूप सारनाथ संग्रहालय में रखा है, वही छवि डाक टिकटों से लेकर सरकारी दस्तावेजों में है, उनमें शेर की शांत मुद्रा है। आज प्रधानमंत्री ने जिस अशोक स्तंभ की ब्राह्मण रीति से नए संसद भवन में स्थापना की, उसमें शेर बहुत नाराज है और उग्र है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो डाक टिकट आता था उसमें शेर का मुंह बिल्कुल शांत रहता था, बंद रहता था, लेकिन जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक स्तंभ की स्थापना कराई संसद भवन पर, उसमें आपको बता दें कि शेर का मुंह खुला हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा भूखा और गुस्सा सा नज़र आ रहा है। ऐसा आपको बता दें कि दिल्ली मंडल ने लिखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है, अगर आपने ध्यान रखा हो तो। साथ ही उन्होंने लिखा है कि ये तो इतिहास की चोरी की गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और बौद्ध प्रतीकों का ब्राह्मणीकरण कराया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो इतिहास के बौद्ध स्तूप हैं, अशोक स्तंभ हैं, आपको बता दें कि उसकी काफ़ी ज़्यादा बदलाव करके उसका ब्राह्मणीकरण कराया गया, जिस तरीके से पंडितों को बुलाकर इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है दलित समाज में। और आपको बता दें कि दलित समाज के लोग लगातार कह रहे हैं कि अगर आपको बुलाना ही था तो बुद्ध भगवान के भंते जी को बुलाकर यह सब कराना था जो भी होता है, लेकिन ब्राह्मण समाज के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि जो सम्राट अशोक थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बुद्ध भगवान पर विश्वास करते थे, ना कि इन पाखंडियों पर। तो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। चलते मिलते हैं किसी अन्य खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें नैतिक टीवी को, साथ ही इस बेल आइकन घंटी को करें ऑल पर सिलेक्ट।